नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जब भी किसी चीज का आविष्कार होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो उसका अच्छा इस्तेमाल तो दूसरा उसका बुरा इस्तेमाल। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किसके पास वो आविष्कार है। विश्व जैसे जैसे तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए खतरे उभरते जा रहे हैं, चाहे वो साइबर हमले हो या नए तरह के हथियार। सभी हाइब्रिड वॉरफेयर के अंतर्गत आने वाले तकनीक किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खास तौर पर ड्रोन्स के बढ़ते उपयोग को देखकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई है। ऐसा सऊदी अरब में विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के दो संयंत्रों अबक्याक और खुरैस पर अटैक के बाद हुआ है। भारत भी लगातार इस क्षेत्र में अपनी रणनीति बना रहा है कि कैसे इस तरह के हमले से वो बच सके। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराने की खबर के बाद तो सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी बढ़ गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 6 लाख से अधिक बिना नियमन वाले मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV मौजूद हैं। ड्रोन की खोज मनुष्यों ने अपने दैनिक कार्यों के संपादन के लिए की थी, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु भी काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ड्रोन से आतंकी हमले को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और ये एजेंसियां अब आधुनिक ड्रोन भेदी हथियारों जैसे स्काई फेंस और ड्रोन गन पर काम कर रही हैं, ताकि हवाई हमलों से निपटा जा सके। भारत में ड्रोन के प्रभाव को रोकने के लिए कई चुनौतियां हैं। बता दें कि भारत में नागरिक क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। कृषि, अन्वेषण, खनन में ड्रोन का उपयोग, खेल, फोटोग्राफी और अन्य क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ गया है। आज ई कॉमर्स साइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंडिया मार्ट, स्नैपडील, OLX और पेटीएम मॉल पर ड्रोन के विभिन्न मॉडल आसानी से उपलब्ध हैं। आज चीनी और फ्रेंच कंपनियों द्वारा बनाए गए ड्रोन ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी है। एक अध्ययन में भी कहा गया है कि देश में 6 लाख से अधिक विभिन्न आकार और क्षमताओं के बिना नियमन वाले ड्रोन मौजूद हैं और विध्वंसकारी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी वजह से एजेंसियां ड्रोन भेदी तकनीक पर काम कर रही हैं। इसमें स्काई फेंस ड्रोन गन, ATHENA ड्रोन कैचर और स्काई वॉल 100 शामिल है, ताकि संदिग्ध घातक रिमोट संचालित हवाई प्लेटफॉर्म का पता लगाकर निष्क्रिय किया जा सके। आपको अब हम भारत की ड्रोन नीति भी बता देते हैं। क्या है भारत में ड्रोन नीति? बता दें कि ड्रोन का चलन जिस प्रकार बढ़ रहा था, उसे देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत में 1 दिसंबर 2018 को संपूर्ण भारत में ड्रोन नीति लागू की थी। इस नीति में ये निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से पहले ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि उसने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की हो और उसे ड्रोन से संबंधित बुनियादी चीजों की जानकारी हो। नागर विमानन महानिदेशालय ने ड्रोन के मुख्यतः 5 प्रकार निर्धारित किए हैं, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन को विमानन नियामक एविएशन रेगुलेटर से विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना आवश्यक होता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि विशिष्ट पहचान संख्या ड्रोन पर प्रदर्शित हो। भारत में UIN सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही होता है और ये विदेशी नागरिकों को जारी नहीं किया जाता। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे GPS, ID प्लेट, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आदि अनिवार्य हैं। साथ ही ये भी आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति स्मॉल ड्रोन उड़ा रहा है तो उसे उड़ाने से पूर्व उसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को देनी होगी। नैनो ड्रोन बिना किसी पंजीकरण या परमिट के स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जमीन से 50 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता। ड्रोन नीति में कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का वाणिज्यिक इस्तेमाल 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गया था, लेकिन खाद्य सामग्री समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाल ही के दिनों में खुफिया एजेंसियों ने अपने इनपुट में कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी समूहों को पैराग्लाइडिंग के साथ ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे रही है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पर हाल ही में ड्रोन से हमला किया गया था। पंजाब पुलिस ने हाल ही में हथियारों की खेप ला रहे जिस ड्रोन को मार गिराया था, उसमें 5 AK-47 राइफल, पिस्तौल,
सैटेलाइट फोन और हथगोले सहित भारी मात्रा में हथियार रखे गए थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दो अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भारत को ड्रोन हमलों से बचने के लिए जल्द ही किसी अच्छे ड्रोन भेदी तकनीक पर काम शुरू कर देना होगा, क्योंकि ड्रोन का प्रयोग जिस तरह से बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत दिक्कत बढ़ने वाली है।